मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो हमने जो आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने एक यूनिट पढ़ लिया है, ठीक है, और आज अपने सेकंड जो यूनिट है वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर जो आपका सेकंड है वो अपने स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो यूनिट नंबर सेकंड जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का सबसे अहम चैप्टर। ये चैप्टर अगर आपने छोड़ दिया, समझ लेना कि आपने जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है इसका सबसे जो अहम पोर्शन है वो आपने छोड़ दिया, ठीक है। तो बात करते हैं इस चैप्टर की अहमियत के बारे में, बात करते हैं अपने। देखो ये जो चैप्टर है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपका जो यूनिट नंबर थर्ड है आपका प्रोप कैंटिलीवर वहां पर लिंक करेगा, और यही चैप्टर आपका जो आगे वाला चैप्टर है आपका फिक्स्ड बीम वहां पर भी ये क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और बात करते हैं अपने ये रिटर्न के हिसाब से, तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। यदि आपका 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो उसमें से मान के चलना कि 3 से 5 क्वेश्चन आपके कहां से बन जाएंगे, अकेले इस चैप्टर से बन जाएंगे, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर से बन जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर के मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो ये चैप्टर आपका मिनिमम मार्क्स तो आएगा 12 का और मैक्सिमम ये आपका 16 तक जा सकता है, ठीक है। मिनिमम मार्क्स के बारे में बात करूं तो 16 मार्क्स का पूछ लेंगे आपसे, 10 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे और साथ में 2 नंबर का कोई छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। और इसके अलावा कभी कभी आप, ठीक है, ये तो सेकंड पेपर की बात होगी, और फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी 15 नंबर का तो ये आने का चांस ही है, ठीक है। 15 नंबर आप इसको भी कह सकते हो कि 12 से 16 या 18 मार्क्स तक का आपका ये मैक्सिमम चैप्टर आपका जा सकता है, ठीक है। तो रिटर्न की बात करने से पहले मैं बात करता हूं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं। तो ये जो चैप्टर है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, तो हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल, ऐसा हमने सब्जेक्ट पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने पढ़ा था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट डिफरेंट बीम्स पढ़ी थी। वहां पर अपन ने कौन कौन सी बीम पढ़ी थी, वहां पर अपन ने पढ़ी थी एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम, एक हमने पढ़ी थी कैंटिलीवर बीम, और एक अपन ने पढ़ी थी फिक्स्ड बीम, ठीक है। तो वहां पर अपन ने 3 प्रकार की बीम पढ़ी थी, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और फिक्स्ड बीम। और उस पर हमने पढ़ा था जैसे कि ये देखो, ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके सेंटर में क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो सेंटर में पॉइंट लोड लग रहा है तो उस कंडीशन में इसमें मैक्सिमम स्लोप कितना आएगा, तो ये अपन ने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, वो आता था WL का स्क्वायर बटा 16 EI। फिर अपन ने पढ़ा था इस केस में इसका मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो कितना आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इसका भी फॉर्मूला पढ़ा था, WL के अपॉन 24 EI क्या देख लेना, ठीक है, 24 है या 48 है जो भी है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल के अंदर हमने क्या है, 3 प्रकार की बीम पढ़ी थी, सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ी थी, कैंटिलीवर बीम पढ़ी थी और अपन ने फिक्स्ड बीम पढ़ी थी। और उसके ऊपर मैं बात करूं लोडिंग की, बात करूं कि कौन कौन सी बीम, तो ये होगी अब बात करें अपने लोडिंग की, इसके ऊपर कौन कौन सी लोडिंग गिवन थी, या तो आपको गिवन थी पॉइंट लोड, या आपको गिवन थी यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर आपको दोनों गिवन थी। और इस पर आपने क्या पढ़ा था कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है इसके ऊपर पॉइंट लोड आ रहा है तो स्लोप कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके ऊपर यूडीएल आ रहा है तो कितना होगा, ठीक है, दोनों आ रहे हैं तो उस पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मान कितना होगा, कैंटिलीवर बीम आ जाए तो उस पर कैंटिलीवर बीम है तो उस पर पॉइंट लोड आ जाए तो मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा, और फिक्स बीम भी अपन ने पढ़ी थी ऐसे। तो वो जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे लगभग 15 से 20 अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे एज इट इज, वो के वही फॉर्मूले हम ऑब्जेक्टिव में कहां पढ़ेंगे, यूनिट नंबर सेकंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का जो चैप्टर नंबर आपका वहां पर कौन सा था, ये 8वां चैप्टर था शायद, ठीक है। तो वहां पर आपका जो 8वां चैप्टर है उसमें जो मैंने आपको एक फॉर्मूले की शीट दी थी वो शीट आपको निकालनी है और वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, बस केस कौन सा ध्यान रखना है, एक तो आपको पढ़ना है सिंपली सपोर्टेड बीम और एक दूसरा आपको पढ़ना है कैंटिलीवर बीम। फिक्स्ड बीम का आप एक बार फॉर्मूले छोड़ देना, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के जितने भी फॉर्मूले हैं कि भाई लोडिंग आ रही है आपकी, यूडीएल आ रही है, पॉइंट लोड आ रही है, स्लोप कितना होगा, डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है, वो सारे फॉर्मूले आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद करने हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज होगी अपने बात इसकी ऑब्जेक्टिव की, क्योंकि
ऑब्जेक्टिव हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ बैटरी में, तो वो एज इट इज फॉर्मूले आपको यहां पर याद करने हैं। अब बात करते हैं अपने कि भाई हमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर ये चैप्टर दोबारा क्यों पढ़ना है। तो देखो हमने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वहां पे आपने स्लोप पढ़ा था, डिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसके डिफरेंट डिफरेंट आपने लोडिंग के साथ में डिफरेंट डिफरेंट आपने फॉर्मूले कुछ याद किए थे और वो डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद करने थे। लेकिन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कोई भी आपको बीम गिवन होगी, जल्दी दो ही बीम आपको गिवन होगी, एक तो गिवन होगी आपको सिंपली सपोर्टेड बीम और दूसरी आपको गिवन होगी कैंटिलीवर बीम। एक तो ये चीज ध्यान रखना, एक तो आपको सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन होगी और दूसरी आपको कैंटिलीवर बीम गिवन होगी। ये तो आपको इस चैप्टर के अंदर बीम गिवन होगी। और बात करते हैं अपने लोडिंग की, तो आपको दो ही लोडिंग मिलेगी, या तो आपको पॉइंट लोड मिलेगा या आपको मिलेगा यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको कहते हैं, देख लो भाई एक बार, ये मान लो इस प्रकार का कोई लोड लग रहा है वो तो पॉइंट लोड कहलाता है, और इस टाइप का कोई लोड लग रहा है ना, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, इसकी इंटेंसिटी किलोन्यूटन में हो सकती है, न्यूटन में हो सकती है, केजी के अंदर हो सकती है, ठीक है। और जो इस टाइप का लोड लगता है उसकी इंटेंसिटी होती है किलोन्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है, केजी पर मीटर, ठीक है। इस टाइप की क्या होती है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी होती है। इसको अपन यू भी शो कर सकते हैं यूडीएल को, और साथ में अपने यू भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मान लो इस टाइप का लोड लग रहा है तो वो भी इसको काउंट करता है, वो भी यूडीएल को काउंट करता है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या है, एक तो ये दो बीम पढ़नी है, एक तो आपको सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़नी है और दूसरा आपको कैंटिलीवर बीम पढ़नी है, और उसके ऊपर आपको एक ही लोडिंग याद रखनी है, एक तो यो पॉइंट लोड हो सकता है या आपका यूडीएल हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको जो डिफरेंट डिफरेंट बीम है और जो डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग है इसके ऊपर कितना मैक्सिमम स्लोप आएगा, कितना अधिकतम ढाल आएगा, ठीक है, कितना मैक्सिमम विक्षेप आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, वो आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मान निकालना है, लेकिन इस बार आपको फॉर्मूला से काम नहीं चलाना, आपको जो मेथड्स हैं और उसके द्वारा स्लोप कितना आएगा, डिफ्लेक्शन कितना आएगा, वो पूरा का पूरा आपको सोल्व करके दिखाना है। बड़ा क्वेश्चन इसका बनेगा, 10 मार्क्स का या 12 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन इसका बनेगा, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या है, या तो सिंपली सपोर्टेड बीम मिलेगा आपको, या फिर आपको कैंटिलीवर बीम मिलेगा, या उसके ऊपर आपको कौन सी लोडिंग मिलेगी, आपको पॉइंट लोड मिलेगा या आपको यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मिलेगा। और कहेगा कि इसमें स्लोप का मान निकालिए, इसमें डिफ्लेक्शन का मान निकालिए, वो अधिकतम भी बोल सकता है, न्यूनतम भी कह सकता है, ठीक है। या फिर आपको कोई भी एक पॉइंट दे देगा, जैसे ये देखो आप एक मैं बीम बना रहा हूं, ये जैसे कि मैंने एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई है और इसके ऊपर मैंने क्या है, कंप्लीट के ऊपर यूडीएल लगा दिया, ये ए पॉइंट हो गया इसका और ये इसका बी पॉइंट हो गया और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि डिफ्लेक्शन का मान निकालो सेंटर पे, तो सेंटर पे आपको निकालना पड़ेगा। मान लो इस बीम की जो लंबाई है वो है आपका 10 मीटर, मैं कह दूंगा कि इस बीम के अंदर आपको मैक्सिमम स्लोप पर डिफ्लेक्शन निकालना है, कहां पर, ये हो गया आपका 3 मीटर पर, ठीक है। तो x का मान कितना रखोगे, 3 मीटर, 3 मीटर पर आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या है कि जो एग्जामिनर है वो कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो अधिकतम और न्यूनतम ही पूछे, या जरूरी नहीं है कि वो उसके सिरों पर पूछे, सिरों का मतलब ये तो इसका ए सिरा हो गया, ये इसका बी सिरा हो गया, या फिर जरूरी नहीं है कि वो उसके सेंटर में पूछे, वो कहीं पर भी पूछ सकता है, वो 3 मीटर दे सकता है, 2 मीटर दे सकता है, हाफ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। और तो इस कंडीशन में आपको क्या है, फॉर्मूले नहीं याद करने, यानी रिटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला लगाकर उसका मान नहीं निकाल सकते। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे तो आपको मैक्सिमम 2 ही मार्क्स मिलेंगे, अगर ये 10 मार्क्स का चैप्टर, इस चैप्टर से 10 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी मेथड्स हैं जिसके द्वारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला जाता है वो मेथड लगाने पड़ेंगे। कोई भी एक मेथड आप लगा सकते हो और उसके द्वारा आप कंप्लीट स्लोप का मान निकालोगे, डिफ्लेक्शन का मान निकालोगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको इस चैप्टर के अंदर मेथड तो सीखने इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल में यूनिट नंबर 8 पढ़ा था उसके फॉर्मूले भी याद करने हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में वो फॉर्मूले हेल्प करेंगे और आपके रिटर्न के अंदर ये मेथड्स हेल्प करेंगे, ठीक है।
चलो भाई ये तो बात होगी इस चैप्टर की कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के अंदर आपको क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है और कितना अहम चैप्टर है उसके बारे में मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं अपने कि स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, थ्योरी इसके अंदर बहुत अच्छे से लिखी हुई है, वो एज इट इज वैसे का वैसे आप नोट कर लेना। बाकी मैं जो यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं और जो मैं लैंग्वेज बोलता हूं उससे अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो वो भी बड़ा बना सकते हैं। तो देखो हम समझते हैं कि स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होता है। ये देखो मैंने एक बीम बनाई है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये लो एक मैंने क्या कर दी, ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी, ठीक है। और इस बीम के ऊपर जो मैं लोडिंग लगा रहा हूं वो मैं लगा रहा हूं पॉइंट लोड, ठीक है। ये मान लो आपका W है, इस बीम के अंदर मैंने लोडिंग लगा दी कितनी, W लगा दी, W आपका क्या है, पॉइंट लोड है, ठीक है। तो ये जो बीम आप देख रहे हो अभी ये होगा आपका कौन सा बीम, इनिशियल बीम, प्रारंभिक बीम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इनिशियल बीम यानी प्रारंभिक बीम है ये आपका, ठीक है। और इस बीम की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है आपका L, बीम की जो लेंथ है वो कितनी है, L। अब इस बीम के अंदर जब इस बीम के ऊपर जब लोड लगेगा तो वो लोड क्या करेगा, इस बीम को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, यानी ये बीम जो होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो डिफ्लेक्शन का जो डायग्राम है वो अपन कुछ यू बनाते हैं, तो आप देखोगे कि ये इस बीम का मैंने क्या बना दिया, डिफ्लेक्शन का डायग्राम बना दिया। तो ये जो आप बीम देख रहे हो ना नीचे वाली, ये कौन सी बीम होगी, लोड लगाने के बाद में डिफ्लेक्ट हुई वो बीम होगी। इतना तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा शो किया ताकि आपको दिख सके, ठीक है। तो नीचे वाली जो बीम है आपकी, ये है आपकी डिफ्लेक्टेड बीम, यानी वो बीम जो विक्षेपित होगी, यानी लोड लगाने के बाद जो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ झुकेगी। तो ये तो थी आपकी एबी प्रारंभिक बीम जो आपको एकदम फ्लैट नजर आ रही है, फ्लैट का मतलब एकदम क्षैतिज अवस्था में। नीचे वाली जो बीम है वो आपके है डिफ्लेक्टेड बीम, यानी जो लोड लगाने के बाद कुछ ना कुछ थोड़ी तरफ नीचे की तरफ विक्षेपित होगी वो है, ठीक है। तो देखो अपन को दो चीज पढ़नी है, एक अपन को पढ़ना है स्लोप, जिसे हिंदी में अपने कहते हैं ढाल, ठीक है, और एक अपन को पढ़ना है डिफ्लेक्शन, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं विक्षेपण। तो देखो ये तो है आपकी प्रारंभिक बीम, नीचे वाली बीम जो है वो आपकी है इनिशियल बीम। प्रारंभिक बीम और इनिशियल बीम के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है, सॉरी प्रारंभिक बीम और इनिशियल बीम के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उसी ऊर्ध्वाधर दूरी को कहा जाता है डिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है, डिफ्लेक्शन कहा जाता है। डिफ्लेक्शन को हिंदी में कहते हैं विक्षेपण, विक्षेपण क्या कहते हैं इसको अपने, विक्षेपण कहते हैं। तो डिफ्लेक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, प्रारंभिक बीम तथा डिफ्लेक्टेड बीम यानी विक्षेपित बीम के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है उसे विक्षेपण कहा जाता है। और डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई से। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एमएम के अंदर, किसमें होती है, एमएम के अंदर। एमएम का मतलब ये आपकी प्रारंभिक बीम है, जब इसके ऊपर लोड लगेगा तो वो कुछ एमएम मिलीमीटर के अंदर क्या होगा, नीचे की तरफ झुकेगी, नीचे की तरफ विक्षेपित होगी। इसलिए जो वाई होगा, जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, उसको अपन किसमें मेजर करेंगे, एमएम के अंदर मेजर करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रारंभिक बीम और विक्षेपित बीम के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को विक्षेपण कहा जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एमएम से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो भाई ये अपन को ध्यान पड़ गया कि भाई डिफ्लेक्शन क्या चीज होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने कि स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है। तो प्रारंभिक बीम और विक्षेपित बीम के साथ में जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसको क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है, ढाल कहा जाता है। तो देखो आप यहां मेजर देखोगे तो यहां पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, कोण बन रहा है क्या, इस कोण को अपन रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। तो ये जो कोण होता है इसको रिप्रेजेंट कराता है थीटा से, या इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको dy by dx से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी प्रारंभिक बीम और विक्षेपित बीम के साथ में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्लोप कहा जाता है, ढाल कहा जाता है।
और इसकी जो यूनिट होगी वो हम डिग्री में नहीं लिखेंगे। कोण की यूनिट क्या होती है? डिग्री होती है, रेडियन होती है, ठीक है, बहुत सारी यूनिट होती है। लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि जो आपका स्लोप है, ढाल है, उसकी यूनिट अपन किस में लिखेंगे? रेडियन के अंदर लिखेंगे। तो इसके अंदर मैंने आपको दो चीजें सिखा दी है, एक मैंने बता दिया है कि स्लोप क्या चीज होती है, और दूसरा मैंने बताया अभी तक कि डिफ्लेक्शन क्या चीज होती है। डिफ्लेक्शन के बारे में दोबारा सुनो, क्या होता है? जो प्रारंभिक बीम है और जो आपके विक्षेपित बीम है, इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है उसी को क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। इसे थीटा से, आई से या डीवाई बाई डीएक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, तथा इसको जो यूनिट है इसको मेजर किया जाता है वो कौन सी होती है? रेडियन होती। कौन सी होती है? रेडियन होती है। तो ये हो चुका है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या चीज होती है, वो मैंने आपको बता दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो कुछ बेसिक चीज है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की जो मैं आपको बता देता हूं। देखो बेसिक चीज है जो अपन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में आपको बता देता हूं। देखो ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर कौन सी लोडिंग लग रही है? इसके ऊपर आपकी एक पॉइंट लोड लग रहा है, यानी कोई भी पॉइंट लोड कहां पे लग रहा है? सेंटर में लग रहा है। तो जब कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होती है और पॉइंट लोड उसके सेंटर में लगता है तो आप देखोगे बीम जो है वो विक्षेपित हुई है, लेकिन ये जो विक्षेपित हुई है वो एक्चुअली में देखेंगे तो सेंटर पे ही हुई है। सेंटर का मतलब डब्ल्यू के जस्ट नीचे हुई है और किनारों से ही विक्षेपित नहीं होती है। इसका जो डायग्राम होगा ना कुछ थोड़ी देर बाद में बनेगा, किनारों से बिल्कुल भी ये विक्षेपित नहीं होती, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको ध्यान में क्या रखना है? सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, और सेंटर पॉइंट लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पॉइंट लोड है, तो जो वाई होता है, वाई मतलब जो डिफ्लेक्शन होता है वो अधिकतम कहां पर आता है? सेंटर में। वाई जो होता है वो मैक्सिमम जो है वो कहां पर आता है? सेंटर में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपसे कोई पूछ सकता है, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर में पॉइंट लोड लगता है तो अधिकतम डिफ्लेक्शन कहां पर आता है? तो आप बताओगे एक्स बराबर एल लेंथ है तो उसकी आधी लेंथ पर आता है, मतलब सेंटर में आता है, एक्स बराबर एल बटा दो पर, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये यहां पर क्या बना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया है कहां पर? सेंटर में आया है। एक तो ये चीज आपको पता चलगी, और आप देखोगे जो कोण बन रहा है ये एक्चुअली में कोण जो है किनारों पर ही बनता है। किनारों का मतलब या तो ए सिरे पर बनता है या बी सिरे पर बनता है। तो कोण को अपने क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, यानी जो थीटा है या फिर मैं कहूं डीवाई बाई डीएक्स जो है ये मैक्सिमम जो है कहां पर आता है? ये आता है इसके एंड पर। कहां पर आता है? एंड पर आता है। एंड का मतलब किनारों पर आता है, यानी ए किनारे पर, यानी ए सिरे पर या बी सिरे पर। ए किनारे का मतलब यहां पर लेंथ कितनी है? जीरो। और बी किनारे पर बात करूं तो यहां पर लेंथ कितनी है? एल। यानी एक्स बराबर जीरो, यहां पर एक्स बराबर एल। ये दो चीजें आपको इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बता दी कि भाई सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर सेंटर पॉइंट लोड है तो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो तो आता है उसके सेंटर पर, मैक्सिमम स्लोप है वो उसके कहां पर आता है? किनारों पर आता है, ठीक है भाई। एक चीज और अपनी बात होगी, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आपको करना है, तो ये सारी बेसिक चीजें भी अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। चलो और एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि देखो ये आपका प्रारंभिक बीम है और नीचे वाला जो बीम है वो आपका डिफ्लेक्टेड बीम है, तो डिफ्लेक्टेड बीम और प्रारंभिक बीम के बीच की दूरी तो कहलाती है डिफ्लेक्शन, और किनारों से ये जो कोण बनाती है इसको कहते हैं स्लोप। तो आप नजर देखोगे, यानी आप इसमें नोटिस करोगे कि जहां पर डिफ्लेक्शन अधिकतम आता है, यानी डिफ्लेक्शन सेंटर में मैक्सिमम आ रहा है, सेंटर पर अगर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है तो वहां पर स्लोप कितना है? स्लोप तो है नहीं यहां पर, यानी कोण तो कहां बन रहा है एक्चुअली में? किनारों पर बन रहा है, तो वो होता है जीरो। और जहां पर स्लोप होता है, स्लोप कहां बन रहा है? किनारों पर बन रहा है, तो यहां पर डिफ्लेक्शन कितना है? डिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, डिफ्लेक्शन कितना है? जीरो। तो एक नोट अपन को ध्यान में रखना है, नोट ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पर, यानी डिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? जीरो। उस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? जीरो। एक तो नोट का पहला पॉइंट अपन को ये ध्यान रखना है, नोट का दूसरा पॉइंट अपन को ध्यान में रखना है
कि जहां पर मैक्सिमम स्लोप आता है उस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, वो होगा जीरो। ठीक है, ये दो पॉइंट अपन को नोट में ध्यान में रखने थे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक अपन को पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ना है, रिटर्न कहां से पढ़ना है, फिर उसके बाद मैंने बात करी कि स्लोप क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक ये मैंने नोट बताया आपको, इसके अंदर एंड कंडीशन बता दी मैंने, इसको क्या कहा जाता है, एंड कंडीशन कहा जाता है, और ये नोट है जो मैंने आपको बता दिया, जो आप अपनी कॉपी के अंदर लिख देना। ठीक है, ले लो उसका स्क्रीनशॉट। तो हमारी बात हो गई कि स्लोप क्या चीज होती है, डिफ्लेक्शन क्या चीज होती है, और कौन कौन से बीम है जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। दो प्रकार की बीम पढ़ेंगे, या तो हम पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड, या हम पढ़ेंगे इसके अंदर कैंटिलीवर, और उसके ऊपर लोडिंग कौन सी पढ़ेंगे, या तो हम पढ़ेंगे पॉइंट लोड, या हम पढ़ेंगे कौन सा यूडीएल, या फिर हम दोनों पढ़ेंगे, यानी पॉइंट लोड भी लग रहा है और यूडीएल भी लग रहा है। चलो भैया, अब बात करते हैं अपने कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके द्वारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मान निकाला जाता है। जनरली देखो कौन कौन से हैं, एक तो है डबल इंटीग्रेशन मेथड, द्वितीय समाकलन विधि इसको अपने कहते हैं, इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, समाकलन को। तो द्वितीय समाकलन विधि एक तो ये है, दूसरा है आपका मैकाले मेथड, दूसरा है आपका मैकाले मेथड। ठीक है, तीसरा है आपका एरिया मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, मोमेंट एरिया या एरिया मोमेंट मेथड कुछ भी कह सकते हो आप इसको, और एक है आपका कंजुगेट बीम मेथड। देखो जैसे अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था एनालिसिस ऑफ फ्रेम, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि फ्रेम को एनालाइज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका मेथड ऑफ जॉइंट, एक होता है आपका मेथड ऑफ सेक्शन, इसके अलावा बहुत से मेथड है, यूक्लिड मेथड भी है आपका। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेथड भी है आपका, ग्राफिकल मेथड भी है। ठीक है, तो अपन को सिर्फ दो ही ध्यान रखने थे, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी एक मेथड ढंग से पढ़ लो उससे सारे क्वेश्चन सीख ले हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज अपने यहां पर है कि आपको इन चारों में से कोई एक मेथड पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, इतना अच्छे से पढ़ना है कि सारे क्वेश्चन उससे हो जाए। यदि किसी बीम के ऊपर दो पॉइंट लोड आ रहा है वो भी आप कर लो, यदि किसी बीम के ऊपर पॉइंट लोड आ रहा है सिर्फ वो भी आप कर लो, पॉइंट लोड के साथ में यूडी रह रहा है तो वो भी आप कर लो। ठीक है, तो अपने पास में क्या है कि जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है उसको ज्ञात करने के चार मेथड है। आप हेडिंग क्या लिखोगे, मेथड्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और ये चारों पॉइंट मेथड के आप नाम लिख दोगे, इसमें से कौन सा भी एक आपको अच्छे से पढ़ना है। तो मैं आपको मैकाले मेथड से सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, मैकाले मेथड पर आप स्टार बना देना, मेथड थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये जो मैकाले मेथड है हमारा थर्ड चैप्टर में भी काम आएगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आपका फोर्थ चैप्टर में भी काम आएगा, तो इसलिए मैकाले मेथड को अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और डबल इंटीग्रेशन का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा, लगभग मैकाले मेथड डबल इंटीग्रेशन मेथड एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो मैकाले मेथड पर आप थोड़ा सा स्टार्ट बना लेना। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज होगी अपनी कि कौन कौन से मेथड है जिनके द्वारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मान ज्ञात किया जाता है, तो वो चार मेथड के मैं नाम जो है यहां पर लिखवा दिए। अब बात करते हैं अपने कुछ सबसे डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है उसका मैं कंसेप्ट बता देता हूं। डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकाले मेथड दोनों एक जैसे है, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्या है उसके अंदर अंतर है, तो इसके जो स्टेप है वो अपने सीखेंगे कल, आज मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूं। और इसके अंदर क्या है कि जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है और जो आपका मैकाले मेथड है, चाहे आपका कंजुगेट बीम मेथड है या एरिया मोमेंट मेथड है, ये चारों में से कोई भी एक मेथड आपको सीखना है और बहुत अच्छा सीखना है, उससे ही सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसा नहीं कि भी आपको चारों मेथड करने हैं, आपको पीएचडी नहीं करनी। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन आएगा नीचे लैंग्वेज मिलेगी, चित्र में दिखाए गए बीम में स्लोप और डिफ्लेक्शन का मान ज्ञात कीजिए। अब आप पर निर्भर करता है कि आप डिफ्लेक्शन में ज्ञात करने का कौन सा मेथड लगाते हो, आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड लगाते हो, एरिया मूवमेंट मेथड लगाते हो, जो भी है। ठीक है, तो आपको कोई भी एक मेथड सीखना है तो अच्छे से सीखना है आपको। ठीक है, बाकी को भले आप छोड़ भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन को एक मेथड सीखना है। ठीक है, और एक मेथड भी सीखने में समय लगेगा।
लगभग 10 लेक्चर बनेंगे इस चैप्टर के, 8-10 लेक्चर बनेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड और बेकाले मेथड में मैं आपको बता रहा था इसके अंदर हल्का सा आपको क्या है समाकलन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और वो भी बेसिक बेसिक पता होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी आपको ज्यादा एक्स्ट्रा में ध्यान में कोई रखने की जरूरत नहीं, तो वो आपको यहीं पर सिखा देंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर क्या है कि इसकी एक समीकरण है, डबल इंटीग्रेशन मेथड की एक समीकरण है जो अपन को ध्यान में रखनी है। समीकरण क्या है, ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एम एक्स, ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस एम एक्स। ये जो समीकरण है वो है डबल इंटीग्रेशन मेथड की, जिसमें ई क्या चीज होती है, ई होती है यंग मापांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक कॉन्स्टेंट। आई क्या होता है, आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ई का मान 200 गीगा पास्कल आप लिख सकते हो, यूनिट किसमें होती है, न्यूटन पर एमएम के स्क्वायर के अंदर। आई जो होता है वो आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यूनिट इसकी क्या होती है, एमएम की पावर 4। एमएक्स जो है वो क्या है, मोमेंट एट एक्सेस एक्सिस, कोई एक्सेस एक्सिस है उस पर मोमेंट है। ठीक है ना, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 बार अवकलन को। ठीक है, बाकी ये पूरा आपको नोट से देखे ना, तो उसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपन को ध्यान में रखना है डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है उसकी समीकरण क्या होती है, तो उसकी समीकरण होती है ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का एम एक्स। ठीक है, मैकाले मेथड में यही समीकरण अपन को यूज में लेनी है, चाहे डबल इंटीग्रेशन मेथड हो चाहे मैकाले मेथड हो, समीकरण आपको दोनों में यही यूज लेनी है, तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आपका 200 गीगा पास्कल अगर नहीं दे रखा हो तो आपको इतना लेना है, यूनिट इसकी क्या होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी। आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, एमएम की पावर 4 होती है। एमएक्स मैंने बता दिया मूवमेंट होता है एट एक्सेस एक्सिस पर। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो जैसे मैंने बताया कि डबल इंटीग्रेशन मेथड है चाहे आपका मैकाले मेथड है, तो इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे, लगभग 7 से 8 स्टेप है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, और थोड़ा लंबा जरूर है। ठीक है, ये मेथड थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन ये मेथड आपका सफिशियंट है, सारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन अगर आपने हाथ से कर लिया, सारे क्वेश्चन आपके हाथ से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, और वो भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं क्या करवाता हूँ आपको, हल्का सा इंटीग्रेशन जो है ना उसके बारे में सिखा देता हूँ, जो अपने को काम में आएगा। चलो भाई, ये यहां तक हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का बेसिक बेसिक मैंने बता दिया, कल मैं सीधे ही आपको क्या है डबल इंटीग्रेशन मेथड जो है वो बता दूंगा, उसके स्टेप लिखवा दूंगा। आज अपने क्या है हल्का सा समाकलन पढ़ लेते हैं, जो आपको अपने कॉपी के अंदर पीछे या उसी के अंदर नोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, हल्का सा समाकलन जो है वो मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन हल्का सा आना चाहिए, ज्यादा नहीं, यानी 100% समाकलन है तो उसका मात्र 5% आपको आना चाहिए। देखो, ये जो साइन होता है ये किसका होता है, ये होता है इंटीग्रेशन का। किसका होता है, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन जो होता है यानी जो समाकलन होता है वो किसी के सापेक्ष किया जाता है, या वो किया जाता है एक्स के सापेक्ष या वो किया जाता है वाई के सापेक्ष। देखो, ये लिखा हुआ है और इसके साथ में कुछ नहीं है और साथ में डीएक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है समाकलन हो रहा है तो किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन समाकलन। ठीक है, ये साइन है और डीवाई लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो जाएगा वाई के सापेक्ष समाकलन। ये दो चीजें अपन को ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये साफ नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको साफ बोलते हैं जब मैं पढ़ाता हूं, और इसके पीछे क्या है डीएक्स है, तो इसका मतलब क्या है एक्स के सापेक्ष समाकलन, और डीवाई इसका मतलब क्या है वाई के सापेक्ष समाकलन। एक तो ये चीज अपन को ध्यान में होनी चाहिए, और कुछ फॉर्मूलेज है जो मैं आपको बता देता हूं, और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो तो फॉर्मूलेज बता देता हूं, फॉर्मूले तो क्या है, दो तीन चीजें ये बस अपन को ध्यान में रखनी है, बस अभी 10 मिनट का बताऊंगा, बस उतना ही याद रखना है, बाकी आपको समाकलन में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। तो देखो, कुछ यहां पे पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, अपन को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट 1 × dx, कुछ नहीं है तो एक मानना है, कुछ नहीं है तो क्या मानना है एक, तो इसको क्या मानना है dx, dx का समाकलन कितना होता है, तो वो होता है x।
ये चीज होगी बात भाई। यहां पर dx है, dx साथ में कुछ नहीं है तो कितना मानना, एक, यानी एक का समाकलन कितना होता है x। अब ये तो समाकलन का निशान है और dx का मतलब x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। अब यहां पर समाकलन हो चुका है, इसका मान निकल कर कितना आया है, x आया। तो ध्यान में अपन को क्या रखना है कि जब किसी समाकलन हो जाता है, यानी जब किसका समाकलन हो जाता है तो ये साइन जो है उसको अपने हटा देता है, एक तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और जैसे ही समाकलन होता है एक कॉन्स्टेंट जोड़ देते हैं, यानी मान इसका क्या आया है, एक्स आया, तो एक कॉन्स्टेंट जोड़ दो आप, प्लस करके मैंने सी लिख दिया, यानी वन इंटू डीएक्स का समाकलन का मान कितना होता है, एक्स होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और सी क्यों है, क्योंकि इसका समाकलन हो चुका है, ये साइन अपने हटा देंगे और साथ में सी जोड़ देंगे। सी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सी की जगह आप ए बी सी डी जो भी आपका मन कर रहा है कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट कि वन इंटू डीवाई हो जाए तो उसका भी समाकलन कितना होता है, वाई होता है, ठीक है। एक्स आ जाए, ठीक है, एक्स आ जाए, अब आपको यह बताना है कि भाई एक्स का समाकलन कितना होता है। तो मुझे बताओ ये जो एक्स है इसके ऊपर पावर कितनी है, पावर कुछ नहीं है तो कितनी मानोगे, एक। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई एक्स है उसके ऊपर पावर कितनी है, एक, उसमें एक पावर जोड़ दो, जो भी पावर है ना उसमें एक पावर जोड़ दो, ऊपर कितनी है एक, एक में एक जोड़ दो, कितने होगी दो, जितने ऊपर है उतने नीचे कर दो, ठीक है। अब ये समाकलन हो चुका है, प्लस में क्या कर दो, प्लस में क्या कर दो, सी। सी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इसका समाकलन हो चुका है ना और साथ में कॉन्स्टेंट तो आएगा, तो इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो देखो मान के आएगा, इसका मान आ जाएगा x का स्क्वायर बटा दो प्लस, यही तो आएगा भाई। x का समाकलन आप, मैं पूछूंगा अगर x का समाकलन कितना आता है तो बताओगे x का स्क्वायर बटा दो, यानी x आ जाए और उसके ऊपर पावर देखनी है आपको, उसके ऊपर पावर कितनी है, जितनी भी पावर है उसमें एक जोड़ देना, ठीक है, और बटे में भी उतना का उतना रख देना। जैसे ये देखो चौथा x का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर पावर कितनी है दो, दो में एक जोड़ो तीन, ऊपर तीन तो नीचे भी तीन, ये लो इसका मान ये आ जाएगा, ठीक है। और देखो पांचवा, जैसे x की पावर चार है ऊपर कितना है चार, उसमें एक जोड़ दो पांच, ऊपर पांच नीचे भी पांच है, ठीक है, ये लो भाई। x की पावर सात है तो जितना ऊपर है ना उसमें एक जोड़ दो, उसमें नीचे कर दो, बस ये इतना सा आना चाहिए आपको समाकलन के अंदर, भाई कुछ नहीं आना चाहिए। क्या चीज बताया, ये समाकलन का साइन होता है, पीछे dx का मतलब x के सापेक्ष समाकलन, पीछे dy का मतलब y के सापेक्ष समाकलन, और जब समाकलन किसी चीज का हो जाता है, किसी टर्म का समाकलन हो जाता है तो ये साइन अपने हटा देते हैं, साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक और देख लो, जैसे कि एक और देख लो, जैसे x की पावर है रूट x, रूट x को अपने क्या लिख देंगे, x की पावर एक बटा दो, ये तो लिखेंगे, तो x की पावर एक बटा दो का अपन को समाकलन करना है। तो मैंने क्या बताया, ऊपर पावर कितनी है उसमें एक जोड़ो, उतने नीचे कर दो, यानी x की पावर एक बटा दो में एक जोड़ दो, नीचे भी यही कर दो, ठीक है। एक बटा दो में एक जोड़ो कितना आएगा, एलसीएम लोगे जब आप दो लोगे तो कितना आ जाएगा, तीन बटा दो, ऊपर भी वही हो जाएगा नीचे भी वही हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या लग जाएगा, सी लग जाएगा, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर के अंदर। ये तो फॉर्मूले कुछ नहीं है, ये मैंने बनाए हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले कुछ नहीं है, यहां कुछ भी पावर हो सकती है। मान लो यहां पे x की पावर आठ आ जाए तो आठ का आंसर क्या होगा, नौ बटा दो, ठीक है। चलो तो आज के लेक्चर को अपने करते हैं एंड। तो आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया चैप्टर के बारे में, और इसके अलावा मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपने सीधे ही क्या करेंगे, सीधे ही अपने डबल इंटीग्रेशन मेथड को सीख लेंगे, उसके स्टेप सीख लेंगे, फिर साथ में अगर टाइम बचेगा तो अपन उसी के अंदर ही क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर को आप देख लेना, और ये जो मैंने कुछ बताया है इंटीग्रेशन का बेसिक उसको भी अपने बुक में लिख लेना, ठीक है। चलो आज के लेक्चर को अपने एंड करते हैं।